गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ. टुडे वी हैव स्टार्ट लेसन नंबर 14, द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम एक जाल तंत्र है बोन्स का एंड टिश्यूज का. बॉडी में टिश्यूज लाइक लिगामेंट्स मींस अस्थि बंधन एंड कार्टिलेज मींस नरम हड्डी, कड़ी लचीली हड्डी. बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर ढांचा होता है बोन्स का, जिसको स्केलेटन बोलते हैं. ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. इस चैप्टर में स्केलेटन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज स्कल. ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये स्कल है. ये हेड का फ्रेमवर्क होता है. स्कल 22 बोन्स का बना होता है. इनमें से 8 फ्लैट बोन्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, बाकी की 14 बोन्स से फेस का स्ट्रक्चर बना होता है. स्कल में पाउच की तरह आई होल बने होते हैं, जिसमें आईज फिट होती हैं. इसमें लोअर जॉ, नीचे का जबड़ा, सिर्फ अकेला ऐसा जॉइंट होता है जो मूव करता है, जो टॉकिंग एंड ईटिंग में हेल्प करता है. सेकंड इज बैक बोन. ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बैक बोन की है. बैक बोन सिंगल बोन नहीं होती. ये 33 स्मॉल इरेगुलर बोन्स से बनती है. इसको वर्टिब्रे बोलते हैं. ये बोन्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं. हर वर्टिब्रे के बीच में सॉफ्ट सब्सटेंस पदार्थ होता है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं. ये कार्टिलेज बैकबोन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है. बैकबोन स्कल से जुड़ी होती है. नंबर थर्ड, ये पिक्चर है रिब केज की. 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स हैं, जिसको रिब्स बोलते हैं. इन बोन्स से रिब केज बनता है. रिब केज लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. ये रिब्स बैक से बैकबोन में जुड़ी होती हैं, पीछे से बैकबोन में जुड़ी होती हैं. इसके 10 पेयर्स फ्रंट में ब्रेस्ट बोन से जुड़े होते हैं. जो 2 पेयर्स जुड़े नहीं होते हैं, उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. नेक्स्ट पिक्चर है लिम्ब्स की. ह्यूमन बॉडी में लिम्ब्स के 2 पेयर होते हैं. नंबर 1 इज फोर लिम्ब्स हाथों में एंड हिंड लिम्ब्स लेग्स पैरों में. लिम्ब्स कई छोटी बड़ी बोन्स से बने होते हैं. हाथ में जो लॉन्ग बोन होती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं, एंड लेग में जो लॉन्ग बोन होती है वो थाई बोन होती है, इसको फेमोर बोलते हैं. लास्ट हैं गर्डल्स. ये पिक्चर में देख सकते हैं, बॉडी में गर्डल्स के 2 पेयर होते हैं, शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. फोर लिम्ब की ह्यूमरस बोन स्पाइन से जुड़ी होती है शोल्डर गर्डल के थ्रू, एंड हिंड लिम्ब की फेमोर बोन पेल्विक गर्डल से जुड़ी होती है. पेल्विक गर्डल किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करता है. सो चिल्ड्रंस, अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड गिवन बिलो. अक्रॉस और डाउन में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. ये क्लू हैं. ये क्लू पढ़ करके हमें इसका आंसर देना है. सबसे पहले हम अक्रॉस वाले करेंगे. नंबर 3, द 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स कॉल्ड द रिब फॉर्म द डैश. आंसर इज रिब केज. क्रॉसवर्ड में भी हम नंबर 3 देख करके अक्रॉस में रिब केज लिख देंगे. नंबर 5, द बैक बोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल इरेगुलर बोन्स कॉल्ड द डैश. आंसर इज वर्टिब्रे. क्रॉसवर्ड में भी हम नंबर 5 देख करके वर्टिब्रे लिख देंगे. नंबर 7, द ह्यूमरस बोन ऑफ द फोर लिम्ब इज जॉइंट टू द स्पाइन बाय द डैश गर्डल. आंसर इज शोल्डर गर्डल. क्रॉसवर्ड में भी हम नंबर 7 पे शोल्डर लिख देंगे. नंबर 8, द फेमोर बोन ऑफ द हिंड लिम्ब इज जॉइंट टू द डैश गर्डल. आंसर इज पेल्विक गर्डल. क्रॉसवर्ड में भी नंबर 8 देख करके पेल्विक लिख देंगे. अब हैं डाउन वाले पॉइंट्स. ये क्रॉसवर्ड में टॉप टू बॉटम फिल करने हैं. नंबर 1 इज द स्कल प्रोटेक्ट्स द डैश. आंसर इज ब्रेन. क्रॉसवर्ड में भी नंबर 1 में ब्रेन लिख देंगे. नंबर 2, द डैश इज अटैच्ड टू द स्कल एट द टॉप. आंसर इज बैक बोन. नंबर 2 देख करके बैक बोन लिख देंगे. नंबर 4, द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज द थाई बोन कॉल्ड द डैश. आंसर इज फेमोर. क्रॉसवर्ड में भी नंबर 4 देख करके फेमोर लिख देंगे. नंबर 6, द लॉन्ग बोन ऑफ द अपर आर्म इज कॉल्ड द डैश. आंसर इज ह्यूमरस. क्रॉसवर्ड में भी नंबर 6 देख करके ह्यूमरस लिख देंगे.
Number 7. The dash is the bony framework of the head. Answer is skull. Crossword में भी number 7 देख करके skull लिख देंगे. So students, अब ये chapter आपको copy में करना है. सबसे पहले name the following करेंगे. Number 1, two pairs of girdles in the human body. Human body में जो two girdle के pair होते हैं, उसका नाम बताना है. उसका नाम है shoulder girdle and the pelvic girdle. Number 2, number of bones in the human body. Human body में कितनी bones होती हैं? 206 होती हैं, so answer is 206. उसके बाद आपको ये fill in the blanks copy में करने हैं. Fill in the blanks के बाद आपको ये complete the spellings करनी हैं. So students, ये chapter complete हुआ. अब आपको ये पूरा chapter learn करना है. Okay.